गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके बेटा, आज की वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की डेट है 16 दिसंबर 2020 और आज कौन सा डे है? वेनसडे। ठीक है, आज की वर्कशीट नंबर है 133। ठीक है, ओके। पहला है, क्या लिखा है? डू यू नो टूडे इज विजय दिवस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16th of December एवरी ईयर इन अवर कंट्री टू सैल्यूट द ब्रेवरी एंड वैलोर ऑफ अवर सोल्जर्स इन द लाइब्रेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। ठीक है, 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हमारे युद्ध हुआ था देश के, उसमें हमारा देश जो विजय हुआ था, तो उसलिए हमें क्या बनाया जाता है? विजय दिवस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलो एक्टिविटी में आ जाते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है? हेलो चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू सिंग? लेट अस ऑल सिंग समथिंग टुगेदर। चलो अब हम क्या करते हैं, साथ में गाना गाते हैं। चलो, ब्लू इज द कलर, ब्लू इज द कलर ऑफ द कूल of the cool clear sky blue beautiful blue red is the color of ripe juicy cherries red brilliant red green is the color of the lush wavy grass green refreshing green yellow is the color of the bright warm sun yellow cheerful yellow orange is the color of the orange wonderful orange pink is the color of the flowers pink magical pink ठीक है, तो हमने इस राइम में अलग अलग कलर्स के बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम आज की एक्टिविटी देखो, इसमें क्या करा गया है। देखो, रेड कलर कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, ब्लू की स्पेलिंग देखिए, कलर होता है ऐसा। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पिंक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रेड की प्रैक्टिस करनी है लिखने की, ब्लू की, ग्रीन की, ऑरेंज, येलो, पिंक, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। आपको स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो है, इट्स रीडिंग टाइम, लेट अस ट्राई टू रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, अब हमारे पास जो सेंटेंस है हम उसे पढ़ लेते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज अ ब्लू बॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ब्लू कुछ है। देखो शौर्या, तो हमारे पास है दिस इज अ ब्लू क्रीम। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अ ब्लू क्रीम। ओके, सेकंड देखते हैं क्या है, दिस इज अ रेड कैप। ठीक है, दिस इज अ रेड कैप। शौर्य, हमारे पास क्या है? दिस इज अ रेड क्लिप, हेयर क्लिप। ओके, उसके बाद थर्ड हम देखते हैं क्या लिखा है, दिस इज अ ग्रीन मग। क्या है? ग्रीन मग है। और हमारे पास क्या है? दिस इज अ ग्रीन बैलून। वेरी गुड। और फोर्थ क्या है? दिस इज अ येलो पेन। ठीक है, और हमारे पास क्या है? दिस इज अ येलो क्रीम। और दिस इज अ कार भी हमारे पास येलो कलर की। ठीक है, ओके। इसके बाद फिफ्थ है, दिस इज एन ऑरेंज बैग। ठीक है, ऑरेंज बैग है हमारे पास। क्या है? देखो, टाइगर रखा हुआ है वो, शौर्य। हाँ, दिस इज अ टाइगर। ओके, उसके बाद सिक्स्थ है,
दिस इज अ पिंक बेड. के पास क्या है? पिंक बेड है. आपके पास क्या है? दिस इज अ पिंक पर्स. ठीक है. उसके बाद हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? शौर्य, जैसे इसमें रेड कलर है, रेड कलर लिखा है, तो आप क्या करोगे? इसमें रेड कलर कर दोगे. ठीक है. आप ये वाली एक्टिविटी भी ले सकते हैं बच्चे के साथ. आप रेड लिख देना, बच्चा उसमें रेड कलर करेगा. ठीक है. जैसे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं और उसके सामने लिख दोगे आप कि इसमें ये वाला कलर करना है. ठीक है. रेड के आगे आप रेड, ताकि बच्चे को स्पेलिंग भी लर्न हो जाए और बच्चा पहचान सके कि रेड ये वाला कलर होता है. ठीक है. स्पेलिंग से ही पहचान ले बच्चा. आर ई डी रेड है तो बच्चा खुद ही रेड कलर करेगा. उसमें ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज कलर करेगा. ये एक्टिविटी आप घर में आप खुद बच्चे के लिए तैयार कर लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद लिखा है, नोट फॉर द टीचर, रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड. और अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है? विजय दिवस के अवसर पर बच्चों से चर्चा करें कि हमारे राष्ट्र ध्वज में हरे, सफेद और केसरिया रंग का क्या महत्व है. ठीक है. इसमें ब्लू कलर कर दो शौर्य, ये वाला ले लो, ब्लू कलर लो, ये वाला कर दो आप. ठीक है. अपने आप पहचानना है बच्चों को. ठीक है. अपने आप ऑरेंज कलर देख लेना आप, सारे कलर्स. तो बच्चों को बताना है उनके झंडे के बारे में. ठीक है. और इसका क्या महत्व है. और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है. सी ए बी मैसेज क्या आया है? कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. होप आपको समझ में आ गई होगी आज की एक्टिविटी क्या एक्टिविटी है. ठीक है. कलर से रिलेटेड एक्टिविटी है ये. और इसमें सेंटेंस स्टेम सिखाया गया है, दिस इज अ. ठीक है. दिस इज अ का सेंटेंस स्टेम है और कलर आपको सिखाए गए. ओके, कर लो आप शौर्य जल्दी से, फिर हम बच्चों को बाय कर देते हैं. जल्दी से फटाफट कर दो. ओके, आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, तो आप ये कर लेना. शौर्य कैसे कलर कर रहे हैं. ठीक है. इससे आपकी कलरिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों की. और ऐसे कलर करने हैं कि बाहर ना जाएं. ठीक है. और आप भी चाहें तो बच्चे खुद सामान इकट्ठा कर सकते हैं ऐसे ही. ठीक है. और आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कलर है, ये किस कलर का टॉय है, किस कलर का कोई क्रीम है. लीफ भी रखी है हमने ग्रीन कलर की. इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आप भी रख सकते हैं. बच्चे खुद भी अपने घर से खोज के ला सकते हैं. कि आप कहोगे रेड कलर की कोई चीज़ लेकर आओ तो बच्चा लेकर आएगा, ब्लू कलर की चीज़ लेकर आओ तो बच्चा खुद लेकर आएगा. इससे पता चल जाएगा कि बच्चों को कलर की कितनी समझ है. ठीक है. और ये वाली एक्टिविटी तो आप करा ही सकते हो. और दिस इज आपको जरूर बुलवाना है ताकि बच्चा ये सेंटेंस स्टेम सीख जाए. ओके, चलो शौर्य बाय कर दो आप सारे फ्रेंड्स को. बाय. सात्विका भी करना चाहते हैं. ओके, बाय.